इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट के सीज़न 4 का पहला टेस्ट था। टेस्ट काफ़ी सवाल हार्ड थे, यानी सवाल हार्ड थे लेकिन असल में उनके जवाब इजी थे, लेकिन लोगों को समझने में दिक्कत हुई। क्या उसमें 10 सवाल पूछे गए थे पहले सीज़न, यानी पहले टेस्ट में 10वें चौथे सीज़न के, और एक सवाल तो उसमें ऐसा था कि उसमें ज़्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया। अक्सर उसमें आबादी गलत जवाब देने वालों की है। और मेल्स के अंदर, यानी मेल प्लेयर के अंदर कोई भी शख्स 10 में 10 नंबर इस टेस्ट में, यानी पहले टेस्ट में ही नहीं ला सका। और ये पहला टेस्ट अब तक के सीज़न का ऐसा हुआ शायद पहले नहीं हुआ कि इसमें किसी पार्टिसिपेट करने वाले के मार्क्स 0 आए हों। तो अब आप उनके भी नाम सुनोगे। फेलियर ऑफ द टेस्ट के एक मेल और एक फ़ीमेल, 3-3 नहीं बताऊंगा, फेलियर वालों के 1-1 बताऊंगा। और ये फेलियर मीन्स ये नहीं कि मतलब वो नाकामयाब हैं या लाइफ में फेल हैं, बल्कि उनके लिए सीखने के आगे उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट किया। उसके लिए भी उनका शुक्रिया कि उन्होंने इल्म दीन सीखने की जुस्तजू में पार्टिसिपेट किया, अगरचे उनको सही जवाब नहीं आ सके लेकिन उनको सीखने को ज़रूर मिलेगा। पहला सवाल इसके अंदर ये था कि नमाज जनाजा के वज़ू से कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जा सकती है, और इसका जवाब अक्सर लोगों ने सही दिया। गलत इसमें भी दिए लेकिन अक्सर ने सही दिया कि हाँ पढ़ी जा सकती है। अगला सवाल था कि इनमें से क्या चीज़ खाना खाने के बाद के वज़ू में शामिल नहीं है, और इसका सही जवाब था नाक में पानी डालना। और इसमें बहुत सारे लोगों का वो ऑप्शन क्लिक नहीं हुआ, सेकंड वाला वो मिस्टेक की वजह से हो गया, क्योंकि मैंने उसमें ऑनलाइन टेस्ट के दौरान स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर दिया था, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया। मगर फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसमें जवाब सही दिया था लेकिन वो नंबर उनका काउंट नहीं हुआ। तीसरा सवाल था कि जिस हर्फ पर जज़म की अलामत हो तो उसको क्या कहते हैं, और इसका सही जवाब था साकिन। चौथा जवाब सवाल था कि चौथा सवाल वही था कि जिसमें ज़्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया, यानी ज़्यादातर ने गलत जवाब दिया। मेल फीमेल दोनों की परसेंटेज मिलाई जाए तो बहुत कम परसेंटेज ही ऐसी है कि जिन्होंने सही जवाब दिया, मुश्किल से 30-35%, वरना करीब 70 के अराउंड % लोगों ने इसमें गलत जवाब दिए। कि जैद 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, यानी हर दिन की 5 नमाज़ें पढ़ता है, तो 7 दिन में वो कितनी नमाज़ें ज़ोहर पढ़ेगा, तो लोगों ने जवाब दिया कि 7 नमाज़ें ज़ोहर पढ़ेगा, लेकिन इसका सही जवाब था कि 6 नमाज़ें ज़ोहर पढ़ेगा अगर वो पूरे हफ्ते तक 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ेगा। और 6 इसलिए पढ़ेगा क्योंकि एक दिन जुमे का होगा और जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज़ नहीं होती। और इसका सही जवाब सिर्फ़ एक ही खातून ने दिया है। अब उनका इत्तेफाक से सही है या उन्होंने इसी अंदाज से सही दिया, बहरहाल उनका जवाब सही है। उम्मीद ये है कि शायद तजुर्बे की बिना पर उनका जवाब सही होगा, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जुम्मे के दिन ज़ोहर नहीं होती। यानी बात छोटी है, मालूम सबको था, लेकिन सवाल घूमने की वजह से, क्योंकि इतना इजी सवाल तो शायद नहीं रखा जाएगा कि एक दिन में 1 नमाज़ पढ़ेगा तो 7 दिन में 7 पढ़ेगा, ज़ाहिर है। और ज़ोहर की नमाज का इसीलिए पूछा गया था क्योंकि बाकी नमाज़ें तो 7 ही होंगी लेकिन ज़ोहर जुमे वाले दिन नहीं होती, तो वहाँ एक जुमा होगा, तो इसलिए 7 दिन में 6 ज़ोहर होती हैं। तो ये जवाब सबका जो है ना वो गलत था। इसका सही जवाब था 6 और लोगों ने इसमें दिया था 7। 5वां सवाल था कि जैद 200 किलोमीटर के सफ़र के लिए 10 दिन के इरादे से जो है वो निकला, और रास्ते में उसने सफ़र को आधा कर दिया, तो अब वो जहाँ पहुँचा है उस जगह पर पहुँचने के बाद नमाज कसर पड़ेगा या पूरी। इसमें एवरेज ही रहा, आधों ने सही दिया आधों ने गलत, तो इसका सही जवाब था कि कसर पड़ेगा, क्योंकि 200 किलोमीटर पहुँचने के इरादे से अगर बंदा सफ़र को आधा करेगा तो वह आधा 100 किलोमीटर होगा, और वो 100 किलोमीटर भी 92 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। 92 किलोमीटर से ज़्यादा 10 दिन के इरादे से निकलेगा बंदा, तो ऐसी सूरत में वो शरई मुसाफिर कहलाया जाएगा। सवाल थोड़े से मैथ टाइप के थे, गणित की तरह से, लेकिन सवाल को अगर आपने समझ के किया होगा तो सारे जवाब बिल्कुल ईजी थे, यानी वो सब जवाब आपको ऑलरेडी मालूम थे, लेकिन सवाल को घुमाने की वजह से आपने उसमें शायद टाइम की किल्लत की वजह से जल्दी जल्दी में जो है वो गलत जवाब दे दिए। छठा सवाल था कि नाहिदा कि एक दिन की तमाम नमाज़ें क़ज़ा हो गई, एक दिन में उसने कोई नमाज़ नहीं पढ़ी और सारे दिन की नमाज़ें अगर फ़र्ज़ जोड़ दी जाए तो 17 रकात बैठती हैं। और अगर वो अगले दिन सारे दिन की नमाज़ जो उसकी क़ज़ा हुई है वो मुकम्मल करना चाहे तो कितनी रकात पड़ेगी। बाज़ ने इसमें 17 रकात का मतलब शामिल किया, लेकिन इसका सही जवाब था 20 रकात, क्योंकि फ़र्ज़ की तो 17 रकात होती हैं लेकिन वितर भी क़ज़ा करने होते हैं। तो अगर नाहिदा एक दिन की नमाज़ें सारी जो उसने क़ज़ा की हैं वो मुकम्मल अदा करेगी, यानी क़ज़ा अदा करेगी अगले दिन, तो उसको मुकम्मल 20 रकातें पढ़नी होंगी, यानी उसके अंदर वितर शामिल करने होंगे। अगला सवाल था कि नाहिदा का एक लड़का है और नाहिदा ने यानी गुस्ल के लिए पानी बाल्टी में भर के तैयार रखा। उसका एक लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 6-7 साल की है, उसने जाके बाल्टी में हाथ डाल दिया, पानी में उसका हाथ चला गया। तो अब इससे गुस्ल नाहिदा का होगा या नहीं होगा? तो इसमें बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि नहीं होगा, जबकि इसका जवाब था कि उसको गुस्ल हो जाएगा, क्योंकि नाबालिग बच्चा अगर इस तरह हाथ डाल दे जिस पर वज़ू गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता नाबालिग पर, तो उससे पानी जो है वो ख़राब नहीं होता, तो ऐसे पानी से वज़ू किया जा सकता है। तो इस मसले को भी जहन में रखना चाहिए कि बहुत सारी ख़वातीन को देखा जाता है कि अगर छोटा बच्चा भी पानी में धोखे से हाथ डाल दे, जैसे घुटनों के बल चलता हुआ चला जाए, बाल्टी पकड़ के खड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनकी उंगलियां उसमें भीग जाती है। तो अगर बाज़ाहिर कोई नापाकी उंगलियों पे हाथ में नहीं है कि जिससे पानी का रंग, बू या इस तरीके की कोई तब्दीली आए, तो उससे जो है वज़ू गुस्ल हो सकता है। तो नाबालिग बच्चे के हाथ डालने से पानी जो है ना मुश्तमिल नहीं होता। 8वां सवाल था कि ज़ैद नमाज जुमा के लिए यानी उसने ज़ैद ने गुस्ल किया और उस गुस्ल में मुकम्मल कहीं भी उसने वज़ू नहीं किया था, और इसी तरह वो जाके नमाज जुमा उसने अदा कर ली। बाद नमाज जुमा उसको ख़्याल आया कि उसने वज़ू ना तो गुस्ल के दौरान किया ना गुस्ल के बाद किया, तो क्या इसका नमाज जुमा अदा हुआ? इसका सही जवाब था अदा हो गया, क्योंकि गुस्ल के अंदर वज़ू शामिल है, यानी ख़ुद ब खुद शामिल है। कोई इरादे से वज़ू ना करे तो भी गुस्ल अगर सही करेगा तो उसमें वज़ू ऑटोमेटिक हो जाएगा। 9वां सवाल था कि नाहिदा 5 दिन के बाद हैज से पाक हुई और गुस्ल नजासत करने के बाद जो है उसने नमाज ज़ोहर अदा की, यानी 5 दिन के बाद हैज से पाक हुई और गुस्ल करने के बाद उसने नमाज ज़ोहर अदा की। बाद नमाज ज़ोहर उसको ख़्याल आया, उसने देखा कि कमर के नीचे जो चोटी लटकी होती है, यानी सर से लेकर नीचे की जो चोटी है, तो कमर के नीचे की एक बालिश्त की जो चोटी है वो बाल उसके सूखे हुए हैं, यानी वो बाल गुस्ल में गीले नहीं हुए। अब ये बात नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद मालूम चली, तो ऐसी सूरत में क्या उसको नमाज ज़ोहर उसकी हुई या नहीं हुई? तो इसका सही जवाब था कि नमाज ज़ोहर उसकी अदा हो गई। 10वां सवाल इसी सवाल की बुनियाद पर था, दूसरा पार्ट इसका आप समझ लें। क्या नाहिदा ऐसी सूरत में पाक भी हो गई जबकि उसके पूरे बाल गीले नहीं हुए? तो ऐसी सूरत में नाहिदा पाक भी हो गई, क्योंकि गुस्ल के अंदर औरत के जो कायदे हैं उसके अंदर वो रियायत है कि उनको जो है बाल मुकम्मल जो लटके हुए हैं उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। जो सर है, अगर सर के जड़ बाल यानी ये बाल भी अगर गुस्ल में औरत के पूरे गीले हो जाएं तो गुस्ल हो जाएगा, और जो पीछे चोटी लटकी होती है वो सूखी भी रहे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, औरत जो है वो पाक हो जाएगी। तो ये 10 सवाल थे, 10 जवाब थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पेपर भी अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा, थोड़ा दिमाग चलाने को मिला होगा, कुछ सवालों से नई सोच भी पैदा हुई होगी सवाल को समझने की। बाकी जो एक खातून ने अपने रिज़ल्ट देख ही लिया, 10 बजे कम्युनिटी पर आया होगा कि जो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाने वाली जो मोहतरमा है, बस उन्होंने ही 10 में से 10 मार्क्स आए, बाकी मेल फ़ीमेल कोई भी A to Z उनके मुकाबले पे नहीं पहुंचा। और उनकी उम्र के हिसाब से लग रहा है माशाल्लाह कि उनको तजुर्बा होगा गालिबन, तो इस हिसाब से उनके सारे जवाब सही हैं। बाकी मेल में भी कोई ऐसा नहीं था इस बार के जो 10 में से 10 ला सके, और ये शायद पहले ही टेस्ट ऐसा था अब तक के तमाम सीज़नों में कि कोई इसमें 10 मार्क्स नहीं लाया मेल में, ये पहली बार हुआ। और हाँ, अब फेलियर ऑफ द टेस्ट है, अब फेलियर का नाम लूँ या ना लूँ थोड़ी इसमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि फ़ीमेल के अंदर जो है वो 10 में से 0 मार्क्स लाने वाली खातून हैं, उनका नाम सलमा है। शहर का नाम मैं नहीं बता रहा, सिर्फ जिसने पार्टिसिपेट किया उनका नाम बता रहा हूँ। फिर भी उन्होंने कोशिश करी, पार्टिसिपेट किया, कोई हर्ज नहीं, इसमें कुछ खोना तो नहीं है, अगर फेल भी हो जाएंगे लेकिन सीखने से ही आप सीखेंगे, गिर गिर के उठता है आदमी, चलना धीरे धीरे सीखता है। तो उनके 10 में से 0 हैं, और ये शायद इस बात के भी लिए पहला टेस्ट है कि किसी पार्टिसिपेट के 0 मार्क्स आए हों। इससे पहले शायद ऐसा जो मैंने रिज़ल्ट देखे उसमें नहीं हुआ, बंदे का एक आध दो सवाल सही होते ही हैं। तो फेलियर ऑफ द वीक टेस्ट कहें तो फीमेल्स के अंदर सलमा और मेल्स के अंदर सबसे कम मार्क्स लाने वाले यानी जिसको फेलियर ऑफ द टेस्ट आप कह सकते हो उनका नाम है, और शायद उनका मार्क्स मेरे ख्याल से एक है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हाँ एक ही मार्क्स है उनका, यानी एक सवाल उनका सही है और उनका नाम है शाहिद रज़ा और शहर का नाम मैं नहीं ले रहा। तो ये दोनों जो हैं वो सबसे लोएस्ट मार्क्स वाले हैं, बाकी हाईएस्ट मार्क्स वाले आपने रिज़ल्ट में देख लिए। और उम्मीद आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा, पार्टिसिपेट करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला कुछ नई नई बातें सीखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही इस वीडियो को, ये ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आम करें, शेयर करें, बाकी तमाम सुन्नी आवाम मुसलमान जितने मैक्सिमम टेस्ट दे सकते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट दें। इस टेस्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन के टेस्ट कैसे देना आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, टाइप करें यूट्यूब पे सिकंदर वारसी ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें, आप ये टाइप करेंगे आपको वीडियो मिलेगी, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। फ़िलहाल सर्दियों में टेस्ट का टाइम 9 बजे है। एक वेबसाइट है SMS Warsi.com, SMS Warsi.com के ऊपर टेस्ट होता है, वहाँ एक पेज है अबाउट सेक्शन के अंदर ऑनलाइन टेस्ट पेज के नाम से, उसके ऊपर रात 9 बजे सैटरडे इंडिया टाइम के हिसाब से आप पेज पर पहुँचे, रिफ़्रेश करें, वहाँ अपनी थोड़ी सी डिटेल, नाम, एड्रेस, नंबर वगैरह फ़िल करें। उसके बाद 10 सवाल शो होंगे, उनके जवाब दें और सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वालों को इनाम भी दिया जाता है जिनको पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे।